न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इतवार है और आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहने जा रहा हूं। ये कहानी बिल्कुल बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपने सुनी ही होगी, फिर भी मैं ये कहानी कहने का आज रोक ना सकूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि ये कहानी में बड़े मैसेज छिपे हुए हैं, ऐसे संदेश छिपे हुए हैं कि हो सकता है कि वो आपकी जिंदगानी बदलते। तो बात थी मगध के जमाने की। धनंनंद नाम का एक नंद वंश का बहुत शक्तिशाली सम्राट भारतवर्ष पर राज कर रहा था। उन्होंने अपने राज दरबार में बैठे चाणक्य यानी कि कौटिल्य का अपमान कर दिया, आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया और भरी सभा में आचार्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे धनंनंद, तूने ब्राह्मण का अपमान किया, एक आचार्य का अपमान किया है और मैं चाणक्य ये सभा में अपनी चोटी खोल देता हूं, अपनी शिखा खोल देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तुझे निर्वंश तेरी हत्या न कर दूंगा मैं ये चोटी बांधूंगा नहीं। कहकर आचार्य निकल पड़े। बहुत साल तक वो मगध के आसपास घूमते रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव में एक बड़े वृक्ष के नीचे एक लड़का पत्थर पर बैठा हुआ है, बड़ा छोटा सा लड़का है और पत्थर पर बैठ के अपने सभी साथीदारों को आज्ञा दे रहा है। वो कुछ ना कुछ काम बता रहा है, वो कह रहा है ये कर दो वो कर दो। और जब एक लड़के ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि याद रख, मैं राजा हूं, तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं तुझे मृत्युदंड दे दूंगा। एक छोटे से लड़के की ये बात सुनकर चाणक्य रुक गए। उन्होंने कहा वो लड़के को कि तू कौन है और तू क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा मैं मूर नाम की एक मेरी मां है, उनका नाम मूर है और मैं उनका बेटा हूं और मेरी मां दासी है, बहुत गरीब है हम लोग। चाणक्य ने कहा कि आप मुझे अपनी मां के पास ले चलो। वो गया मूर के पास। एक इतना विद्वान ब्राह्मण एक अछूत विधवा को हाथ छोड़ के कह रहा है कि मुझे ये लड़का दे दे, तेरा लड़का महाराजा बनने के लिए पैदा हुआ है, तू मामूल मुझे ये दे दे। मां की आंखें भराई, मन वो देख रही थी कि एक इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण मेरे से मेरे लड़के की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि आचार्य आप ये लड़का ले जाइए, अगर वो देश के काम आता है तो मेरा अहो भाग्य है, मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, मैं अछूत हूं और आप कह रहे हो कि मेरा बेटा राजा बनेगा तो इससे बड़ा अहो भाग्य क्या हो सकता है। और फिर ये चाणक्य और चंद्रगुप्त घूमते रहे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत विद्याएं सिखाई, बहुत विद्वान कर दिया, बहुत पढ़ाया। और फिर जब समय आया तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बार बार मगध पर आक्रमण किए। पर धनंनंद की सेना इतनी विशाल थी, उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो बार बार हार का मुंह देख रहे थे। कई बार हारने के बाद एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ और फिर भागने की नौबत आ गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य भाग रहे, पीछे सैनिक पड़े हुए। कोई छोटे से गांव में उन्होंने एक गरीब विधवा के घर में आश्रय वहां रुक गए। उन्हें पता था कि ये गरीब के घर में कोई उसे ढूंढेगा नहीं, वहां के वो छिपे हैं। शाम का समय हुआ, वो विधवा औरत ने कहा कि आप दोनों आइए और खाना खा लीजिए, शाम होने को है,
चंद्रगुप्त ने वो चावल बीच में से उठा के खाने की कोशिश की और वो गरम गरम चावल की वजह से चीख उठा। वो विधवा ने हंसकर कहा कि मैंने दो मूर्खों की बात सुनी थी, जो चंद्रगुप्त और चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, वो दो मूर्ख बार बार मगध पर आक्रमण करते हैं, जहां धनंतक सबसे मजबूत है, उनका सबसे बड़े मजबूत किला जो है मगध का, उस पर आक्रमण करते हैं, हारते हैं और भागते रहते हैं। वो दो बेवकूफ है, मगर तू भी वैसा निकला। कौन बताए चंद्रगुप्त को और चाणक्य को कि आसपास के जो कमजोर किले हैं, वो पहले जीते जाते हैं, पहले कमजोर किलों पर वो कब्जा कर ले, पहले आसपास के प्रदेश पर कब्जा कर ले, फिर सैन्य जुटाए, फिर शक्ति जुटाए, फिर पैसे जुटाए और बाद में मगध पर आक्रमण करे। वो दो मूर्ख तो जो दो मूर्ख है चंद्रगुप्त और चाणक्य, उसका नाम सुना था, मगर आज दूसरे बेवकूफ को भी मैंने देख लिया। भारत के दो महाश्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ बुद्धिशाली पुरुष ने वो औरत के पांव पकड़ लिए, कहा मां तू सही कह रही है, हम ही चंद्रगुप्त और चाणक्य हैं। वो विधवा औरत ने कहा कि मैं तो जानती थी, आप आए तब से मैं पहचान गई थी कि आप ही है वो, और मैं आपकी गलती का आपको एहसास दिलाने के लिए कह रही हूं। आप बड़े वीर हो, बहादुर हो, मगर गलती कर रहे हो, आप अपनी गलती सुधारो। बात इतनी सी है, एक विधवा औरत के मुंह से भारत की हजारों साल पहले एक विधवा औरत ने जो मैनेजमेंट की बात की, वही बात हमें आज भी समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि मगध सबसे मजबूत किला है, उसे छोड़ दो, आसपास के जो छोटे छोटे किले हैं, जहां कमजोर है धनंतक, वहां पहले कब्जा करो। तो मैनेजमेंट की बात नहीं है, हमारे सामने हजारों प्रश्न हो सकते हैं, सैकड़ों सवाल खड़े हो सकते हैं, अनेक विडंबना खड़ी हो सकती है, तो जो हम कर सकते हैं, जो आज निपटारा कर सकते हैं, जिसका आज निकाल कर सकते हैं, वो पहले करें। एक साथ देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि इतने सारे प्रश्न तो हल हो गए नहीं, पर जो कर सकते हो आज, जिस बात का निकाल कर सकते हो वो आज निकाल करते हैं। टेलीफोन का बिल भर दे आज, लाइट बिल भर दे, कॉरपोरेशन का टैक्स भर दे, वो तो आज हम कर सकते हैं। कल परसों चार दिन के बाहर बैंक में बहुत बड़ा चेक आने वाला है, वो पास कराने की अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो आज उस पर कॉन्सेंट्रेट न करें, पहले हम इस बात पर करें, ध्यान दें कि जो हम कर सकते वो करते जाए, करते जाए। वो दिन दूर नहीं जब हम बड़े से बड़े प्रश्न को भी निपटारा कर सकेंगे। तो हाथ जोड़ के न बैठे रहे, ना ही हम घबरा जाए बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ देखते हुए। और जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बाद में किया, पहले कमजोर किले जीत ले दुश्मन के, और फिर जो सबसे भारी काम है वो हाथ में ले। तो आज इतवार के दिन एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको मैनेजमेंट का ये गुण सिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि आओ, चाहे कितने भी कष्ट सामने खड़े हैं, चाहे कितने भी मुश्किलें मुसीबतें खड़ी है, और चाहे कितने ही बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं, हम एक एक करके प्रश्न का निपटारा करें। जो आज कर सकते उसे आज करें, जिसके लिए मुड़ी जुटानी है, पैसे जुटाने, उसके लिए थोड़ा और समय लें, और आशा रखें कि सभी प्रश्नों का निपटारा हो जाएगा। धनंतक जैसा महासम्राट भी हार जाएगा अगर हम धैर्य रखें। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।